प्रदेश में तेज गर्मी और लू की तपिश से आम जन बेहाल है और इससे बचने के कई उपाय किए जा रहे हैं। वहीं वन्य जीवों को भी गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जयपुर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और जयपुर चिड़ियाघर में वन विभाग की तरफ से गर्मी को देखते हुए खासा इंतजाम किए गए हैं। जयपुर चिड़ियाघर के DFO जगदीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि चिड़ियाघर में एनक्लोजर कूलर लगाए गए हैं। वहीं वातावरण को ठंडा रखने के लिए जगह जगह ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था की गई है। वहीं पक्षियों को मौसमी फल और ग्लूकोज मिला हुआ पानी दिया जा रहा है। नाहरगढ़ जैव उद्यान एवं चिड़ियाघर में जैसे जैसे मौसम में गर्मी का समय बढ़ता जाता है, उससे हमारे यहाँ जैसे शुरुआत से गर्मी व्यवस्था शुरू कर दी जाती है ताकि वन जीव में किसी प्रकार का गर्मी का प्रकोप न हो। इसके बचाव के लिए प्रत्येक एनक्लोजर में रेनगन्स लगाई गई हैं, नाहरगढ़ जैव उद्यान के अंदर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, और ताकि किसी प्रकार की गर्मी वन्य जीवों को बाहर घूमते फिरते पक्षियों को न लगे। और इसके साथ जो रिटायर रूम बने हुए हैं जैविक उद्यान में वन जीव जहाँ रात्रि विश्राम करते निवास करते हैं उनके अंदर कूलर्स लगाए गए हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार की गर्मी न रहे। ककड़ी, खीरा, तरबूज खान पान में बदलाव किया जाता है ताकि जो सीजनल मौसम के जो फ्रूट्स होते हैं उनको वन्य जीव दिए जाते हैं ताकि उनमें गर्मी का प्रकोप न बने। चिड़ियाघर में काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली बार तो अभी ये जो शुतुरमुर्ग जो ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं वो अभी फर्स्ट टाइम देखा है, और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट टाइम नज़र आ रही है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत सारे जानवर देखे, खूब मज़ा आया। पशु पक्षियों के लिए, यहाँ जानवरों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर जगह जगह पानी के पानी पीने के लिए वो जो कुंड है, क्या बोलते हैं, वो बना रखे हैं। यहाँ पहली बार हमारे बच्चों ने और हमने मिलकर एलिगेटर और क्रोकोडाइल ऑस्ट्रिच ये सब देखे। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं देख के बच्चे, और ऑलमोस्ट यहाँ सब सुविधाएं हैं इन जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, और पौंड भी बनाए हुए हैं इनके लिए पानी के लिए, और इनके अच्छे से छाया वाया लगा रखी है ताकि जिसे हम देख सकें, हमको भी कोई गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा है।